you mm -hmm. दर्शकों हाजिर हूं मैं 9 दिसंबर 2022, आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शुक्रवार है पौषमास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो दिन में ग्यारह बजकर के चौतीस मिनट तक है और इसके पश्चात द्वितीया है मृगशिरा नक्षत्र दोपहर दो, दो बजकर के उनसठ मिनट तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है शुभ योग कौलवकरण है बात होगी पंचांग की चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के उनतीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के ग्यारह मिनट तक का होगा वहीं काल प्रातः साढ़े दस बजे से दोपहर बारह बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों आज का दिव्य महाप्रयोग जो है वो हस्त हस्तरेखा से संबंधित है और बड़ा ही दिव्य है, है। ज्ञानवर्धक है तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे साथ ही साथ चौदह दिसंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं मंगल का संचरण वृषभ राशि में जारी है ये वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा आज मिथुन में है और तुला में केतु है सूर्य वृश्चिक में है बुध और शुक्र युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं शनिदेव मकर में और देव गुरु मीन में यह है ग्रह स्थिति आज शुक्रवार का दिन और गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण दोपहर तीन बजे तक यानी दो बजकर उनसठ मिनट तक मंगल के नक्षत्र में होगा और इसके पश्चात ये राहु के नक्षत्र में हो जाएंगे यानी दिन का जो पूर्वार्ध है वो मंगल के नक्षत्र में होने वाला है चंद्रमा का संचरण और दिन के उत्तरार्ध में राहु के नक्षत्र में यानी आज का ये दिन किस तरह से आपको व्यतीत करना है कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज कई दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहना है सबसे जरूरी कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो यह है ग्रह स्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया दैनिक राशिफल तैयार किया है वो ने दर्शक जो मेरे राशिफल के को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं चौदह दिसंबर दिन बुधवार है बोरवेल लगवाना है तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है प्रातः दस बज करके अड़तीस मिनट से दोपहर बारह बजे तक वर बरन, कन्या वरण के लिए मुहूर्त है तीन बज करके दोपहर तीन बज करके सोलह मिनट से शाम पांच बज करके तेरह मिनट तक और कोई भी वस्तु खरीदनी है सुई से लेकर के कार तक हर वस्तु खरीद सकते हैं बेच सकते हैं प्रातः छह बजकर के बीस मिनट से आठ बजकर के सत्तावन मिनट के बीच ही बस इतना ही मुहूर्त है इसी के दौरान आपको कर लेना होगा प्रिय दर्शकों हथेली में भाग्य की रेखा मैं जानता हूं कि एक आम से आम दर्शक जिसे ज्योतिष तो में कुंडली में बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो उसकी दिलचस्पी भी ना हो वो भी जानता है भाग्य की रेखा कहां होती है हथेली में भाग्य की रेखा जिस हथेली में भाग्य की रेखा हो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है ये सभी जानते हैं परंतु यहां थोड़ा सा करेक्शन है कि जिस हथेली में भाग्य की रेखा हो असल में वो भाग्यवान कहा जाए गलत हो जाएगा भाग्य उसका साथ देता है अगर वो प्रयत्न करे तो उसे चीजें आसानी से मिल जाती हैं असल लाइन ये है वो भाग्यवान होता है गलत है भाग्यवान तो सभी हैं अभागा कौन है धरा पर आया है मानव शरीर मिला है और अंग उसके ठीक हैं तो भाग्यवान ही है परंतु हथेली में भाग्य की रेखा होने का एकमात्र मतलब यह है कि ऐसा जातक अगर प्रयत्न करे तो उसे उसके भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्यवान वो बन जाएगा अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जिनकी हथेली में भाग्य की रेखा नहीं है क्या वो भाग्यवान नहीं है क्या वो फिर अभागे माने जाएंगे प्रिय दर्शकों मैं चौंका कब जब एक भिखारी को मैं कुछ दे रहा था क्या दे रहा था वो विषय नहीं है जब उसकी हथेली में मैंने भाग्य की लकीर देखी तो सोचा कि ये विषय तो बड़ा गंभीर हो गया लोगों को बताना चाहिए आप जरा सोचिए ये जो विषय मैं बता रहा हूं भाग्य कि मैंने पहले इसकी चर्चा की थी लेकिन ये वाली लाइन आपको अब जाननी चाहिए अनुभव उसकी हथेली में भाग्य की लकीर देखी मैंने तो ये आश्चर्यजनक विषय था भाई तो भिखारी की हथेली में आखिर जब भाग्य की लकीर है तो ये फिर भिखारी ही क्यों है क्योंकि जब मैंने ये पॉइंट बताया था कि जिनके हाथ में भाग्य की लकीर हो तो भाग्यवान होते हैं कई बार क्या होता है कि ज्योतिष के कई ऐसे विषय हैं जब प्रैक्टिकली सामने जब वो आता है तब लगता है कि ये वाला विषय इसके तो मेरे, मेरे तो निसंदेह जिनकी हथेली में भाग्य की रेखा नहीं है उन्हें कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती चीजों को पाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा प्रयत्न करना पड़ता है यह सत्य है लेकिन वो इसका मतलब नहीं कि जिनकी हथेली में भाग्य की रेखा नहीं है वो अभाग्य हैं या भाग्यहीन हैं वो भी उतने ही भाग्यवान हैं जितना कि जिनके हाथ में भाग्य की लकीर है अंतर बस इतना ही है कि जिसकी हथेली में भाग्य की लकीर है उसे तुरंत मिल जाता है थोड़े से प्रयत्नों से मिल जाता है यूं समझ ली भाग्य का साथ देना है। उस भिखारी के साथ भी ऐसा ही होता होगा उसे भी थोड़े से प्रयत्नों से मिल जाते होंगे पर वो भिखारी क्यों है इसके पीछे रीजन था उसकी आगे जब हथेली फिर मुझे कह के दिखानी पड़े चल देखें एक बार तो जैसे उसने हाथ किया तो उसकी हथेली में मस्तिष्क की रेखा थी ही नहीं बहुत हल्की सी थोड़ी सी भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता भाग्य से भी आपको कुछ नहीं मिल सकता बस भीख ही मिल सकती है अगर विवेक हो कहने का मतलब कि भाग्य की रेखा से भी कहीं बली है आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा का स्पष्ट और साफ सुथरा होना आपकी हथेली में यदि भाग्य की रेखा नहीं है तो कोई चिंता नहीं इसीलिए मैंने प्रमाण दिया था कि ऐसे लोग जब प्रश्न उठाते हैं तो ऐसा नहीं है कारण है मस्तिष्क रेखा है तो यह भी कम नहीं है निसंदेह वही वाली लाइन यहां पर लागू कर देता हूं कि भाग्य रेखा जिनकी हथेली में है मस्तिष्क रेखा के साथ साथ उन्हें चीजें आसानी से मिल जाती हैं अगर आपकी हथेली में भाग्य की लकीर नहीं है तो मिलती तो तब भी है आपको लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा संघर्ष प्रयत्न करना पड़ता है जस्ट उस भिखारी की हथेली को देखा तो उसके में मस्तिष्क ही नहीं था भाग्य तो था तो भाग्य के सहारे उसको मिल ही रहा था उतना ही लेकिन मस्तिष्क नहीं तो वो उतना पाने के लिए जितना कि एक मानव पाने का अधिकारी है वो उतना भी प्रयत्न नहीं कर रहा है दिमाग नहीं लगा रहा शरीर लेकर के कहीं बैठा हुआ है थेली को देखिए अपने मस्तिष्क रेखा का टूटा हुआ होना मस्तिष्क रेखा का क्षत विष्छत होना हथेली में भाग्य की रेखा मस्तिष्क रेखा के पास जाकर के रुक जाए तो ज्योतिष तो शास्त्र का सामुद्रिक शास्त्र के जो जानकार है मर्मज्ञ है वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपने गलत निर्णयों के कारण बर्बाद हो जाएगा यानी भाग्य की रेखा भी मस्तिष्क से टकरा के अगर रुकी हुई है तो वो रेखा भी कुछ नहीं कर पाएगी मस्तिष्क ने उसको बर्बाद कर दिया अर्थात मस्तिष्क रेखा अब सवाल खड़ा होता है कि क्या कभी भी ऐसा था कि भाग्य रेखा ही सर्वोपरि था देखिए मानव इतिहास में अगर देखा जाए तो भाग्य की रेखा का महत्व था है और रहेगा लेकिन मस्तिष्क की रेखा का हमेशा से ही एक ग्रामीण परिवेश में जहाँ बच्चे को और कुछ नहीं चाहिए पिता की कमाई चार बीघे और पांच बीघे बारह बीघे जमीन है एकड़ में अगर आप कहें तो पता नहीं कितने एकड़ पर इतने दस बीस पच्चीस एकड़ जमीन है तो वही उसका भाग्य है उसी में खाना कमाना जीना है लेकिन आज इस परिवेश में जहां हर व्यक्ति अपने भुजबल से आगे बढ़ना चाहता है अपना नाम रोशन करना चाहता है याद रखिएगा कि हथेली में मस्तिष्क की रेखा के साथ साथ मैंने सूर्य रेखा की एक चर्चा की थी जो बहुत पूर्व में आपको मैंने बताया था कि हथेली में भाग्य की रेखा हो तो संभव है कि ऐसा व्यक्ति धनवान भी हो जाए परंतु नाम तो भी पाएगा जब सूर्य की रेखा हो यानी अकेला एक भाग्य की रेखा वाला ही बात नहीं कि इसी से सब कुछ मिल जाएगा इससे सिर्फ जो चीज मिलता है वो है आसानी भाग्य की रेखा हथेली में होना मतलब जीवन में चीजें आसान हो जाती हैं बैठे बिठाए तो कहीं नहीं मिलता चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और अगर आपके हाथ में भाग्य की रेखा नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं थोड़ा आसान कम होगा बाकी मिलेगा सब कुछ आप भी उतने ही भाग्यवान हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है और मंगल के ही नक्षत्र में है बस थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है और दिन बहुत बढ़िया है पूर्वानुमान आपका बिल्कुल सही होता दिखाई पड़ रहा है दिन अच्छा है दिन शुभ है सो इसका फायदा उठाइए समय दीजिए अपने आप को अपने कार्य को दिन बहुत बढ़िया है फलतः मन भी प्रसन्न रहेगा नौकरी पेशा लोगों की बात कर ली जाए तो यहां भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और बात यदि हम व्यापारियों की करें तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत ही खास है यूं समझ लीजिए बिना परेशान हुए बस कदम आगे बढ़ाते चले जाइए सफलता मिलेगी परंतु बिना सोचे समझे बोलने से बचिए आज बेवजह विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और शाम होते होते गृह कलह की संभावना दिखाई पड़ रही है जीवन साथी से तू मैं मतभेद की स्थिति विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत भी बड़, बहुत ही बढ़िया है आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं सामान्य से कहीं बेहतर है दिन बस मेहनत से पीछे मत हटिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई ऐसी विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है मामूली स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा तो इसको लेकर के जरा सचेत रहिएगा और आप आज केशर का तिलक अवश्य लगाइए लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज बादामी है निवेश भी आप करिए वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में होना मंगल और फिर राहु आज पूरे दिन ये नहीं कि दिन के पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में ना पूरे दिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है मन को शांत रखने का प्रयत्न करना है विचारों पर भी कही न कहीं ना कहीं अंकुश लगाना होगा और सोच सकारात्मक बनाइए तो दिन आनंद से बीतेगा शाम होते होते तक अगर विशेषकर मद्यपान इत्यादि की आदत है आपको तो जरा सचेत रहिएगा आज वाहन से दुर्घटना की प्रबल संभावना है विशेषकर उनके लिए मैं कह रहा हूं जो मद्यपान करते हैं और वाहन चलाते हैं उनके लिए दुर्घटना की प्रबल संभावना है बाकी कार्यस्थल पर अगर आप है तो दिन बढ़िया है यूं समझ लीजिए कि आप अपनी राय से हर किसी को सहमत कर सकते हैं व्यापारियों के भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा व्यापार से संबंधित यदि यात्रा करनी पड़ रही है तो कर सकते हैं यात्रा के लिए लाभप्रद है और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या कोई परेशानी विवाद इत्यादि है तो देखिए वैसे तो विवाद से बचने की ही सलाह दूंगा परंतु विवाद इत्यादि कहीं है तो वहां पर आपको जीत मिल जाएगी कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अभी उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है प्रेमी से मुलाकात कर सकते हैं प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है वहां भी कड़वी वाणी का प्रयोग न करें और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है स्वास्थ्य में चिंता उन्हीं लोगों को करनी है जो मद्यपान इत्यादि करके वाहन चलाते हैं बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही लकी अंक आठ लकी कलर आपके लिए आज मेजेंटा है और निवेश ना करें करते हैं तो जानकार की राय से करें और आज सबसे जरूरी उपाय है मद्यपान मांसाहार इत्यादि से आपको दूरी बना कर करके रखनी है खान पान जितना साफ होगा बस यही आपकी पूजा यही आपका उपाय मिथुन के लिए जातकों मिथुन के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा आज स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है शाम होते होते भी चिड़चिड़ापन टेंशन मानसिक अशांति रहेगी और दिन के पूर्वार्ध में भी परेशानियां लगातार बनी रहेगी अगर आप कर्जदार हैं यानी किसी से ऋण लेकर के बैठे हैं तो समझ लीजिए तगादेदार जिनका पैसा आपके पास है वो आपको बड़ा परेशान करने वाले हैं कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी परेशानियां चलती रहेंगी जो आपके विरोधी हैं, शांति बना करके रखनी है मन को शांत रखना तो बेहद ही आवश्यक है और कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिसके लिए आपका दिल गवाही उसकी न दे रहा हो कोई भी कानूनी काम कोई गलत कार्य तो बिल्कुल ही मत करिए व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ में कमी ही दिखाई पड़ रही है एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में कहीं कोई गैरकानूनी काम मत कर बैठेगा नहीं मुसीबत में पड़ेंगे दूसरों के कार्य में दूसरों की बातों में कहीं भी दखल अंदाजी नहीं करनी है प्रेम संबंध के मामले में भी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन और सबसे समस्या ज्यादा दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने के कारण घर का माहौल शाम होते होते और बिगड़ेगा कोई ना कोई गलत फहमी उत्पन्न होने वाली और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में रुकावट महसूस करेंगे मन पढ़ाई में नहीं लगेगा यानी किसी भी तरह के विद्यार्थियों किसी भी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज कंफ्यूजन का ही दिन है पढ़ाई के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है फिर भी सिर्फ काम की बात पर ध्यान दें परिवार के मध्य किसी की सेहत भी बिगड़ सकती है माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आपको भी नींद से संबंधित परेशानी बेचैनी आज रहने वाली है लकी अंक दो लकी कलर सिंदूरी है निवेश आपको नहीं करना और आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करना है कर्क के जातकों का पूर्वार्ध ठीक है लेकिन शाम होते होते आप परेशानी में पड़ेंगे घर से जब जाएंगे तो ठीक ठीक ही जाएंगे लेकिन लौटेंगे तो परेशानी लेकर के ही लौटेंगे यानी परेशानी चिंता जहां बाहर की ही मिलने वाली है सचेत रहिएगा आप भी अगर कर्क राशि के हैं तो मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा आज जो भी परेशानी होती है उसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होने वाले हैं क्योंकि आपकी जल्दबाजी ही आपकी परेशानी का कारण बनने वाली है वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है आप अपनी वाणी से बना बनाया काम भी आज बिगाड़ लेंगे कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है व्यापारियों का पैसा व्यापार में आज हुआ दिखाई पड़ रहा है हालांकि एक बात आपको बता दूं कि पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है तो उसे वापस पाने के लिए आज आपको जोर भी लगा लेने की चाहिए उसके लिए दिन ठीक है नौकरी परिवार व्यापार हर मामले में आज आपको सामंजस्य बिठा करके चलना है हाँ सामंजस्य बिठा करके चलिए तो दिन खास हो जाएगा राज की बात कोई गुप्त बात हर किसी से शेयर न करिए और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन को मैं सामान्य कहूंगा प्रेमी के साथ समय अगर व्यतीत करना चाहते हैं तो सावधान रहिए प्रेमी को कोई आपकी बात बुरी तो लग सकती है विद्यार्थी वो जो प्रतियोगी परीक्षा के हैं उनके लिए दिन ठीक है आप कोशिश करिए और स्वास्थ्य में जिनको जोड़ों में विशेषकर घुटनों इत्यादि में दर्द की शिकायत रहती है उन्हें राहत मिलेगी शाम होते होते विशेष राहत लकी अंक तीन लकी कलर आपके लिए आज पर्पल निवेश ना करें आप करते हैं तो जानकार किराय से करें और आज लाल चंदन घिस करके अपने माथे पर प्रातःकाल ही लगाइएगा इसे फायदा मिलेगा सुम्ह के जातकों के लिए दिन ठीक है दिन का पूर्वार्ध भी अच्छा है दिन का उत्तरार्थ भी अच्छा है कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं तो बहुत बढ़िया ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल जाएगी लाभ के नए रास्ते बनेंगे व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार के लिए तो दिन है ही बहुत बढ़िया कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं कोई पुराना निवेश आपने किया हुआ था उससे आपको फायदा मिलेगा कुल मिलाकर के बढ़िया है दिन खर्च पर नियंत्रण रखना होगा दिन अच्छा ही जाएगा कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो करिए आपको फायदा मिलेगा किसी को धन उधार मत दीजिए और प्रेम संबंध में कोई उलझन है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए पहल आपको करनी होगी विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में कही न कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है तो सिर्फ एक ही विषय पर ध्यान दीजिए ध्यान भटकेगा तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए दिन वैसा है ठीक लेकिन थोड़ा भटकाव दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति है वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज पिंक है प्रातः काली पक्षियों को दाना डालिएगा और निवेश आप अवश्य करिए यही बात यदि कन्या के जातकों के लिए करें तो दिन आपके लिए भी खास सिद्ध होने वाला है लेकिन दिन का उत्तरार्ध तीन बजे के बाद दिन के पूर्वार्ध में परेशानी होगी कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसकी आपने कल्पना न की हो बल्कि मैं कह सकता हूं कि आश्चर्यजनक रूप से परेशानी आएगी बना बनाया काम बिगड़ सकता है हर कार्य में सचेत रहना होगा व्यस्तता पूरे दिन रहने वाली है यात्रा पर जाने से बचिए नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर देखें तो दिन बहुत अच्छा तो नहीं है हालांकि शाम होते होते कुछ अच्छा होगा आपके लिए प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए दिन बढ़िया है विशेष करके शाम होते होते कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बढ़िया है परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक पैसों से जुड़े मामले में आपको बड़ा सोच समझ कर कहीं कोई काम करना है कोई बड़ी डील सोच समझ करके करिए धोखे की संभावना प्रबल है या कोई बड़ा निर्णय लेना है तो या तो आज मत ही लीजिए ले रहे हैं तो सोच समझ करके राय मशवरा करके अपने जो शुभ चिंतक है उनसे दाम्पत्य जीवन ठीक है परंतु घर के बाहर की परेशानी को बाहर ही छोड़ करके आइएगा घर मत लेकर के आइएगा और प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम संबंध में आज अनबन की स्थिति उत्पन्न होने वाली है व्यवहार अपना शांत रखना होगा सकारात्मक रखना होगा तभी सब कुछ ठीक ठाक बीतेगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता के लिए अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी है विशेष करके जिन लोगों को सीने में से संबंधित कोई परेशानी हार्ट वगैरह से संबंधित कोई परेशानी है तो वो अपना विशेष ख्याल रखें त्वचा तो अच्छा जन्य रोग से जो ग्रसित है उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप ना करें करते हैं तो जानकार की राय से और आज संकट नाशन गणेश का पाठ या श्रवण करें तुला के जातकों के लिए भी दिन के पूर्ववार्ध और उत्तरार्ध की बात करूँ तो उत्तरार्ध ठीक है पूर्वार्थ की अपेक्षा पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी है हालांकि जीवन साथी की कही बात को आप मानिए तो दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ठीक हो जाएगा अब मानिए का क्या मतलब मानिए का मतलब है कि राय मशवरा करके ही कोई काम करी तो अच्छा होगा नौकरी में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं तो यह उचित समय नहीं है बड़े भाई बहन है उनके रिश्ते की बात आज हो सकती है कोई महत्वपूर्ण कागजी कार्यवाही करनी है या कोई कार्य करना है या उससे संबंधित तैयारी करनी है तो उसके लिए दिन ठीक है आज अपने अलावा किसी पर भरोसा मत करिए इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो जा सकते हैं यहां पर आपको सफलता मिल जाएगी व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा परंतु किसी भी तरह का निवेश आपको बहुत सोच समझ करके ही करना है जल्दबाजी से नुकसान होगा और जो लोग कमीशन से जुड़ा काम करते हैं उन्हें भी कार्यक्षेत्र में आज किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है प्रेम संबंध के मामले में सामान्य है दिन और प्रेम संबंध को अगर वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रपोजल आज आपको नहीं देना चाहिए कुल मिलाकर के एक बात ध्यान रखिए आज बड़ों की कही बात को मानिए जो आपके शुभ चिंतक है उनकी कही बात को मानिए तो दिन ठीक ठाक बीतेगा और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य कोई बहुत अच्छी सफलता की बात तो नहीं दिखाई पड़ रही और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वाहन से सावधान रहना होगा दुर्घटना इत्यादि की संभावना और सिर दर्द की शिकायत भी है लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है निवेश ना करें और आज प्रातः काल ही कबूतरों को दाना डालिए वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है आपके लिए हालांकि दिन के उत्तरार्ध में दिन के पूर्वार्ध में सकारात्मक संकेत है लेकिन तीन बजे के बाद परेशानी आएगी कार्यस्थल में कार्यस्थल पर यदि आप विशेष करके फील्ड वर्क करते हैं तो शाम होते होते कोप का भाजन आपको बनना है यह ध्यान रखिएगा बाकी आज दिन के पूर्वार्ध में सब कुछ ठीक है अगर आपका कोई विरोधी है दुश्मन है तो वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा हार जाएगा या वो ऐसा निर्णय लेगा जिससे उसको नुकसान हो आपको भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए सोच समझ कर निर्णय लीजिए ताकि आपको इसका फायदा मिले और कोई भी बड़ा निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके करिए तभी उसका लाभ आप ले पाएंगे यानी निवेश बहुत सचेत होकर के सावधान होकर के सोच समझ करके करना है बातचीत के दौरान बहस की संभावना है तो यहां भी सचेत रहिए और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठीक है प्रेम संबंध में यदि मजबूती चाहते हैं तो खुल करके प्रेमी से बात करिए और विद्यार्थियों की बात करूँ तो उहा पोह भरा रहने वाला है दिन बहुत अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के मामले में आज परेशानी है कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है कफ जन्य रोग की भी संभावना है और नींद की कमी या बेचैनी जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें हल्का और सादा भोजन ही आज करें लकी अंक तीन लकी कलर आपके लिए सफेद है निवेश जानकार की राय से आप कर सकते हैं और आज प्रातः काल ही सफेद चंदन अपने माथे पर लगाइएगा इससे आपको लाभ मिलेगा धनु के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध तो ठीक है लेकिन दिन का उत्तरार्ध शाम होते होते गृह कलह की संभावना दिखा रहे लौट के घर जब आए तो संभव है कि बिना बात किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है घर में नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन ठीक है हालांकि आपको भी कार्यक्षेत्र में तनाव थोड़ा देखना होगा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए और काम से काम रखिए कहीं रुका हुआ कोई काम था वो बनता दिखाई पड़ रहा है कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है व्यवसायियों की बात करूँ तो दिन सामान्य रहने वाला है पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी उसका समाधान आज ढूंढने का प्रयत्न करिए निसंदेह आप समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचिए दाम्पत्य जीवन परेशानी में दिखाई पड़ रहा है पूर्व से चली आ रही अगर परेशानी है गलतफहमी तो और बढ़ जाएगी प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है या यूं कहें कि ठीक है संबंध में यदि कोई खटास थी तो यहां पर सब कुछ ठीक होता दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों की बात की जाए तो मन पढ़ाई लिखाई में आपका थोड़ा कम ही लगेगा पर ठीक है सफलता के मामले में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही ठीक ठाक है स्वास्थ्य को लेकर के विशेष करके पेट का ख्याल रखिएगा और जो लोग श्वास जन्य रोग कफ जन्य रोग से परेशान है उन्हें और ज्यादा ध्यान रखना होगा लकी अंक एक लकी कलर स्काई ब्लू और निवेश आप करिए धनु के जातकों की यदि हम बात करें तो आज प्रातः काल ही कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ या श्रवण आप करिएगा मां लक्ष्मी की कृपा आज आपको विशेष रूप से लेनी चाहिए मकर के जातकों को भी अपना व्यवहार आज शांत और अलचीला रखना है दिन खराब नहीं है पर लचीलेपन से ही आपको सफलता मिलेगी ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है चाहे वो जीवन साथी हो आपका कोई शुभचिंतक कोई मित्र हो उनकी सलाह आज काटिए मत मानिए कार्यस्थल पर करेंगे आप आज बेहतर लेकिन उसका जो प्रभाव निकल करके आ रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है जरूरत पड़ने पर वैसे मदद मिल जाएगी धन से संबंधित चिंता सताती दिखाई पड़ रही है व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा धन के मामले में कहीं ना कहीं परेशानी रहने वाली है नए कारोबार की रूपरेखा अगर बना रहे हैं तो बनाइए गोचर कुंडली की स्थिति बता रही है कि मानसिक अशांति और परेशानी रहेगी धन हानि की भी संभावना है लेकिन हां अगर आप संभल करके चलें तो परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे वैवाहिक प्रस्ताव लेने देने के लिए दिन ठीक नहीं है प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए उनकी भावनाओं का कदर की भावनाओं की कदर करिए और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी उनके लिए दिन ठीक है मेहनत अधिक से अधिक करिए पर सफलता मिले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें कमर दर्द की शिकायत रहेगी लकी अंक तीन और लकी कलर की शरिया राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ या श्रवण करिए और निवेश ना करिए करते हैं तो जानकार किराय से कुंभ के जातकों को भी निवेश करने से मैं मना कर रहा हूं दिन चिंता उत्पन्न करा रहा है लोगों से मिलने जुलने मीटिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है दिन एक और बात दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा धन की चिंता आज आपको सताएगी माता पिता भाई बहन जो सहयोग आपको मिलना चाहिए था वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य ही कहूंगा हालांकि जीवन साथी से धन संबंधी मामलों में आज आपको सहयोग मिलेगा वाणी पर नियंत्रण रखना होगा प्रेम संबंध में प्रबल सावधानी की आवश्यकता है आज प्रेम संबंध में विच्छेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है प्रेमी का मूड आज कुछ ठीक नहीं दिख रहा और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता के लिए और अधिक आपको प्रयत्न करना होगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति बेचैनी जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज पिंच है निवेश ना करें और आज हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण करें मीन के जातकों के लिए दिन सामान्य है गृह कलह आपके यहां भी दिख रहा है सामाजिक कार्य इत्यादि करने के लिए दिन ठीक है राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बढ़िया है योजना बनाकर के काम करें तो फायदा मिलेगा मित्र की सहायता से आपका कोई बड़ा कार्य बन सकता है प्रयत्न आपको लगातार करना पड़ेगा तभी जाकर के सफलता मिलेगी और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आज कार्य की अधिकता थोड़ी अधिक रहने वाली है कोई ऐसा समाचार भी मिल सकता है जो कि थोड़ी देर के लिए आपको दुखी करे हालांकि व्यापारियों के लिए अगर बात करें तो व्यापार में धन लाभ की स्थिति बन रही है नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं खरीद सकते हैं परंतु याद रखिए जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए जल्दबाजी में कोई काम न करिए अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य ही दिखाई पड़ रहा है और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं लेकिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें स्वास्थ्य में परेशानी है लकी अंक चार लकी कलर आज आपके लिए पीला निवेश जानकार किराए से कर सकते हैं और सभी मीन राशि के जातक आज प्रातः काल थोड़ा सा गुड़ अवश्य खाकर के पानी पिए और उसके बाद ही घर से बाहर जाए तो प्रिय दर्शकों यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार